बीजेपी ने दिल्ली में जल बोर्ड में घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि शराब घोटाले, डीटीसी बस घोटाले, क्लासरूम घोटाले और शीश महल घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में भी बड़ा घोटाला सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की। इस मामले को लेकर संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर। बीजेपी से प्रवक्ता खेमचंद जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार के ऊपर 500 करोड़ का आरोप लगाया, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से आप यमुना जी में झाग देख रहे हैं, उसका कारण है जो एसटीपी प्लांट है उनमें इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। जितना पैसा इन्होंने दिया उस तरीके से काम नहीं, अगर काम होता तो इतना सोडियम की मात्रा यमुना जी में नहीं होती और इस तरीके से झाग यमुना जी में नहीं दिखाई देते। ये सब जो दिखाई दे रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने एक कंपनी को फ़ायदा देने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इन्होंने फिक्स कर दिया, जबकि अलग अलग प्लांट में अलग अलग नाले में एक अलग अलग नीड होती है। कहीं पर केमिकल ज़्यादा आता है, कहीं पर कूड़ा ज़्यादा आता है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन उन्होंने फिक्स करके एक ही तरीके से एक ही टेक्नोलॉजी से ये उसकी सफाई कर रहे थे और उसकी वजह से वहाँ पे जो काम होना नहीं था वो सही से हो नहीं रहा। इन्होंने बहुत सारे नॉर्म्स को इग्नोर किया ताकि इनको किकबैक मिल सके, कमीशन मिल सके और ये सब मिली भगत है और उसका परिणाम दिल्ली वाले भोग रहे हैं। आज गंदा पानी आ रहा है, पूरी दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं है, पूरी दिल्ली में हाहाकार है और यमुना जी नाला बन चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण केजरीवाल जी का करप्शन है, केजरीवाल सरकार का करप्शन है। बात करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता खेमचंद। सो एमकेएम न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सिंह।